हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये हायर का जो रिमोट है, हायर एसी का डीसी इन्वर्टर का रिमोट है हायर एसी, ये इसका जो ऑल फीचर है, सब फीचर इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वाला तो आपको पता ही होगा, ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है। इसके साथ ही ये दिया हुआ है टर्बो क्वाइट। इससे आप जब एसी ऑन करोगे ना, तो आप अगर इसको दबाते हो टर्बो, तो आप जो एसी का स्पीड है ना, वो फुल टर्बो पे आ जाएगा, तो वो कमरे को बहुत जल्दी ही ठंडा करेगा, ठीक है। इसी से आप ऑन टर्बो और ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये सेंटर वाला जो बटन है सेल्फ क्लीन, ये है सेल्फ़ क्लीन का। अगर मान लो कोई डस्ट वगैरह आपके एसी के जो इंडोर एसी होता है ना, उस पे अगर डस्ट आ जाती है, तो अगर आपको कभी क्लीन करना पड़े तो इसको दबा दीजिए, और 10 से 15 मिनट लगते हैं को आपका जो इंडोर एसी है वो पूरा क्लीन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ये ड्राई का सेटिंग है, आप ड्राई करोगे आपका जो एसी कूलिंग करता है वो ड्राई रखेगा, तो यानी कि आपका जो स्किन है वो ड्राई रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और ये कूल का है, क्योंकि कुछ एसी इसमें आते हैं जिसमें कूल और हीट का सिस्टम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कूल का ही है, ठीक है। ये आ जाता है स्विंग का, जो इसमें स्विंग होते हैं वो आपको किस तरफ रखने हैं, ऊपर करने हैं, नीचे करने हैं, या कैसे भी करने हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। और ये आ जाता है टेम्परेचर का, ठीक है। ये देख लो, अगर आप ऊपर को करोगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नीचे को करोगे तो ये घटता जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर का आ गया। इसके बाद ये हेल्थ का सिस्टम है, हेल्थ के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है कि ये आपकी हेल्थ, अगर इसको आप ऑन करते हो तो आपका जो कूलिंग एयर है ना वो हेल्थ ही रहेगा, यानी कि वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसमें ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। और ये स्लीप मूड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये स्लीप मूड आ जाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप स्लीप मूड लगा सकते हो, और ये है एक्स्ट्रा फंक्शन। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एक्स्ट्रा फंक्शन, तो यहाँ इससे एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक तो ये फ़ैन का है और ये दूसरा एसी का है, ठीक है। एक तो आपका जो एसी ना, अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शन को दबाओगे तो एक तो कूलिंग करना शुरू हो जाएगा ना एसी, तो दूसरा अगर फिर दबाओगे तो ये सिर्फ फ़ैन पे आ जाएगा, तो सिर्फ ये फ़ैन ही काम करेगा एसी का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइम ऑन। ये टाइम ऑन का अगर बटन दबा के आप ये देखो, इसको अगर दबाते हो 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे, ऐसा करके आप इसको, आपका जो मान लो आपने जो एसी का मेन स्विच है ना ऑन रखा हुआ है, तो मान लो आपको 7 घंटे बाद ये एसी ऑन करना है, तो मान लो ये 6 घंटे है, ठीक है, इसको इस पे लगा दीजिए, तो आपका 6 घंटे बाद एसी अपने आप ऑन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आपको एसी बंद करना है, रात को आप सो रहे हो, तो आपको मालूम है कि आपने 8 घंटे ही एसी चलाना है या 10 घंटे, तो यहाँ से आप वो सेटिंग करके मान लो 10 घंटे, तो ये कन्फर्म वाला बटन दबा दीजिए। ये देखो, एक बार जब कन्फर्म, और ये यहीं से कैंसिल होगा, यहीं से कन्फर्म होगा, ठीक है। आप अगर कन्फर्म कर दोगे तो ये 10 घंटा जो आ रहा है यहाँ पे टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगा, तो 10 घंटे बाद आपका जो एसी है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं जो एसी में लाइट आती ना, जो डिस्प्ले में लाइट आती ना, अगर मान लो आप रात को सो रहे हो तो आपको लाइट नहीं चाहिए कमरे में, इसको आप दबाओगे तो आपका लाइट ऑन हो जाएगा, इसी को दबाओगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। और ये जो बटन दिए हुए हैं, ये इन्होंने काट के रखे हुए हैं, यानी कि ये बटन काम नहीं करते, सिर्फ इन्होंने ऐसे ही शो करवाए हुए हैं, क्योंकि जो मॉडल मेरे पास है उसमें तो ऐसा ही है, लेकिन तकरीबन हायर में अभी ये फंक्शन आए नहीं है अभी तक, तो होप है कि आगे आ जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये है इसका फुल हायर एसी का रिमोट गाइड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं पता चले तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।